अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से लेंस होते हैं, किस किस टाइप के लेंस होते हैं, और मैं जो है वो कौन से कलर का लेंस पहनती हूँ और कहाँ से लेती हूँ। क्योंकि मुझसे जो है अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मेरे लेंस का कलर कौन सा है, क्योंकि जब भी मैं लेंस पहनती हूँ ना तो वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, और अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि वो मेरी खुद की आँखें हैं। तो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो दो तरह के लेंसेस होते हैं। तो पहला जो लेंस होता है वो होता है कि पावर लेस कॉन्टैक्ट। वो होता है जो नॉर्मली हम सब लोग पहनते हैं, हम सब लोग पहन रहे थे, आप भी पहनते हो, अक्सर हम भी पहनते हैं, वो होता है। एक होता है पावर लेंस। वो होता है कि जिनकी जो आईसेट वीक होती है ना, तो वो वाले मतलब वो जो है पावर लेंस बनवाते हैं। उससे ये होता है कि आपको जो है ग्लासेस पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप पावर लेंस बनवा लीजिए। आपको जो मतलब आपने डॉक्टर से चेकअप करवाया हुआ था, जो आपके पास रिसीप होती है, तो वो आपको शॉप में देनी पड़ती है कि हमारा ये नंबर है, आप जो है हमारे तरफ से लेंस बनवा दीजिए। लेकिन उस लेंस का जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो आपका राइट साइड का लेंस है उसको आपको राइट साइड वाले बॉक्स में ही डालना होगा, और जो लेफ्ट साइड का उसको लेफ्ट साइड वाले बॉक्स में उतार के रखना है वापस। और क्योंकि अगर आप मिक्सअप कर दोगे ना, क्योंकि फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा ऐसा होता है कि हमारी जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड वाली जो है, तो इन दोनों का जो मतलब क्या कहते हैं उसे, आईसेट जो कम होती है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दोनों मतलब सेम तरीके से, मतलब उतना पॉइंट उतना सेम डिफरेंस नहीं होता कि मतलब उतनी वीक है, दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस होता है पॉइंट पॉइंट में, कि ये थोड़ी सी ज़्यादा कम होती है ये, या फिर ये थोड़ी सी ज़्यादा कम होती है, तो इस तरह से होता है। तो खैर फदर वैसे तो कहते हैं कि अक्सर लेंस जो है नहीं पहनना चाहिए ज़्यादा, बाकी में ऐसा है कि इसे ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए कि आप जो है आए दिन अक्सर पहन रहे हो। तो बाकी में ऐसा मैंने खुद भी मतलब ऐसा फील किया कि लेंस जो है आपकी आंखों को थोड़ा सा डैमेज करते हैं, चाहे आप जितना भी अच्छा लेंस ही क्यों ना ले लो। जो है इस टाइम मैंने लेंस नहीं पहने हुए हैं, तो आपको दिख भी रहा होगा, अक्सर जो मेरी वीडियोज़ आती है उसमें मैंने लेंस पहने होते हैं। अक्सर मैं पहनती हूँ लेंस, और जितना भी आपको मना किया जाए कि लेंस अच्छे नहीं होते, फिर भी हम पहनते ही हैं, क्योंकि हमारा शौक होता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे आंखों का कलर ये नहीं वो होता तो हम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खैर अल्लाह ने हमें जो भी दिया, हमें साल में खुश रहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब मैं आपको बताती हूँ, एक हो गया पावर लेंस, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आईसेट अगर आपकी वीक है तो आप बनवा सकते हो, और ज़्यादा बेहतर होता है कि शादी में अगर आप जाते ना तो आपको जो है ग्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है, आप वो लेंस लगा के देख लो भाई, ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें ज़्यादा सामान अच्छा लगता है, क्योंकि ग्लासेस ना आपका मेकअप भी ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा लुक चेंज भी करना चाहिए, हर वक्त ग्लासेस भी अच्छे नहीं लगते हैं। के अलावा एक होती है नॉर्मल लेंस, जो हम सब भी पहन रहे होते हैं। अब उसमें भी दो टाइप्स होती है, दो अलग अलग, और पहले जो था एक ही नॉर्मल टाइप आती थी, आउटलाइन वाले लेंस होते थे, आप वो पहनते थे, मैंने भी वही बहुत पहने हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था लेंस पहनना, तो सबसे पहले मैंने कलर लिया था ब्लू, क्योंकि मुझे उस टाइम ये गाना चला था बहुत ब्लू आइज़ वाला, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट हुआ, तो मैंने कहा यार ब्लू आइज़ होनी चाहिए, तो मेरा फर्स्ट लेंस था, मैंने ब्लू लिया। तो फिर उसके अब मैं आपको बताऊँगी, अब जो है कि ये हो गया कि अब जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है तो तरक्की हो रही है, अब जो है विदाउट आउटलाइन वाले लेंस भी आ गए हैं। तो उसमें ये सीन होता है कि इसमें आप जब पहनते हैं ना, तो आपकी आईज जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी दिखती है, और सामने विजिबल होता है कि आपने लेंस पहने हुए, तो वो लेंस जो है वो तब पहने जाते हैं अगर आप जा रहे हैं, कि अक्सर लोगों को पता चले कि हाँ आपने लेंस पहने हुए, थोड़ा सा मतलब हैवी हैवी लुक आए, अगर आप मेकअप बिल्कुल लाइट करेगी लेकिन वो लेंस पहने गए ना, थोड़ा सा हैवी हैवी लुक आएगा कि हाँ ये वाकई में बहुत ज़्यादा क्या रही है इस तरह से। और लेकिन जो विदाउट आउटलाइन वाले लेंस है, तो उसमें ये सीन है कि आप वो पहनेंगे तो उसमें ये लगेगा कि आपने लेंस तो बिल्कुल भी नहीं पहने हुए। अगर आप अपने आईज से कलर के साथ मैच करके लेंगे, वो कौन सा कलर आपकी आईज के साथ सूट करेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उसमें ये सीन होता है कि अगर आपने सही लेंस चुन लिया और वो ले लिया ना, तो उसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बहुत कम पता चलता है कि आपने जो है ना वो लेंस पहने हुए, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आ रहा होता है। तो मैं जो पहले जो यूज़ करती थी वो आउटलाइन वाले यूज़ करती थी, आउटलाइन लेंस उस टाइम बहुत चले हुए थे और मुझे पता भी नहीं था, उस टाइम आए भी नहीं थे विदाउट आउटलाइन वाले, ये जो है अब जाकर आए विदाउट आउटलाइन वाले, और ये मैंने लिए हैं, और इसमें मुझे सब अक्सर ये कहते हैं कि यार तुम्हारे लेंस जो है वो पता नहीं चलते हैं। मुझे जो है ना अब मैं विदाउट आउटलाइन वाले लेंस पहनती हूँ, जिस वजह से मुझे ना अक्सर कॉमेंट मिल रहा होता है कि यार आपकी आंखें तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, तो मैंने कहती हूँ यार थैंक यू, बाय द वे ये लेंस है, एंड दे वर लाइक सीरियसली ये लेंस है, क्योंकि पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैंने जो लिया था तो मैंने चेक करके लिया था अपनी आंखों के बराबर हिसाब से लिया था। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि विद आउटलाइन वाले लेंस भी आपको मैं दिखाती हूँ, और विदाउट आउटलाइन वाले लेंस भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे मुश्किल काम होता है कि लेंस को पहनना, क्योंकि लेंस पहनना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो खुद नहीं पहन सकते,
और जो कि मेरे मानने की बहुत गलत आदत है, आपको लेंस जो है वो खुद पहनने चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई और बनाता है ना तो आपको थोड़ा सा डर डर लग रहा होता है कि यार नहीं कि आँख में ना लग जाए, लेकिन अगर आप खुद पहनते ना तो आवाज़ है यूँ करके डाल दिया। मैं जो मैं खुद पहनती हूँ मैं यूँ करती हूँ और यूँ करके डाल देती हूँ अलहमदुल्ला से। तो मैं आपको वो भी तरीका सिखाती हूँ कि कितना आसान तरीका है, बस थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और आप खुद लेंस पहन सकते हो। क्योंकि किसी और को, अब मैं ना अक्सर मैंने किसी अक्सर लोगों को मैंने लेंस पहनाया तो बहुत मुश्किल होती है मुझे पहनाते हुए, क्योंकि वो आँख खोलते ही नहीं है भाई। बस मैंने थोड़ी आँख तो खोल ली, आप तो नहीं खोलते, तो बहुत मुश्किल होती है। तो मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि आप सीख लें, तो आज आप लोग भी सीख लें कि लेंस कैसे खुद पहनते हैं। लेंस पहनने की सबसे मेन टेक्निक है आप जो है हाथ धो के लेंस पहने, ठीक है, हाथ में कुछ भी केमिकल ना हो, ठीक है। अब मैंने जो है किट बनाई हुई है, मेरे पास एक किट है तो मैं इसमें लेंस रखती हूँ अपने, क्योंकि मैं इसी में लेके निकल जाती हूँ हर जगह। तो इस किट में जो है हर चीज़ पड़ी हुई मेरे पास, ये जो है इससे लेंस जो है वो आप निकाल भी सकते हैं यूँ करके, ठीक है। लेकिन ये मेरे यूज़ में नहीं आता, मैं इसको समझती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा यूजलेस थिंग करें, क्योंकि मेरे यूज़ में नहीं आता ये, मैं हर काम इससे कर रही होती हूँ, ये मेरे यूज़ में आता है। इससे आप निकालो डालो और ठीक है। और बाकी इसके अलावा मेरी इस किट में जो है थोड़ा सा पानी भी है। ओ माय गॉड, ये ख़त्म हो जाता है इसमें पड़ा पड़ा, ये यूज़ नहीं करती मैं ये इसमें पड़ा पड़ा, क्योंकि मेरे पास जो दूसरी बॉटल है मैं इसमें से यूज़ करती हूँ। बाकी ये है, और इसके जो है बैक साइड में लिखा हुआ है लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है। अक्सर लोगों का ये होता है कि उनकी आइज़ जो है ना वो रेड हो जाती है लेंस पहनने के बाद, तो वही क्यों होता है, क्योंकि आप जो है लेंस पहनते हो उस वक्त आपको लेंस जो है वॉश करके पहनने चाहिए। हम जो अक्सर गलती करते हैं वो ये है कि उतारने के बाद हम पानी चेंज करके रख देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। तो अब जो है मैंने अभी इसका पानी चेंज किया था, तो अब जो है इसको आपने जब निकालना है ना, आपने यूँ करके इसे निकालना है पहले इससे, ठीक है, और ये पानी फेंकना है, क्योंकि मैंने अभी फेंक दिया, मैं पानी नहीं फेंक सकती दोबारा, पानी बहुत एक्सपेंसिव आता है इसका, क्योंकि मैंने जो है एलोवेरा वाला पानी लिया हुआ है इसका, अब वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो आप भी कोशिश करें तो एलोवेरा वाला पानी ले इसका, और मैं बता देती हूँ कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो जो है सेंसिटिव स्किन्स के लिए होता है, आपकी आइज़ में जो है कोई भी रैशेज वगैरह नहीं होगा उससे। तो मैं यूँ करके ये पानी को यूँ बाहर निकालती हूँ, ठीक है, और उसको फेंक के फिर दूसरा पानी डाल देती हूँ। मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह, अब मैंने बाहर निकालने से यूँ करके, ठीक है, तो उसे आपने यूँ करना है। अब जो है इसे मैं रखूँगी यूँ करके, ठीक है, यूँ मैंने रखना है, क्योंकि ये विदाउट आउटलाइन लेंस है तो आपको जो है मुश्किल से दिखे, क्योंकि इसका कलर भी ग्रेफाइट कलर है तो उतना ईजिली दिखता नहीं है, बिल्कुल लाइट कलर है, ठीक है। अब यूँ करना है मैंने, इसका पानी ख़त्म करना है, ठीक है, और हाथ साथ साथ जो है साफ करने अपने, और इसे जो है ना यूँ रखना है हल्का सा आपने, ठीक है, हल्का सा टच करना है, ज़्यादा जब सिर्फ फिंगर में ज़्यादा चिपकाना नहीं, मैं काम करती थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि जो है मेरे फेस पे रहे। आपने एक फिंगर यहाँ रखनी है, इसको यूँ करना है, और एक फिंगर यहाँ, ठीक है, और ये देखिए पहन लिया मैंने। मैंने पता है कैसे किया, क्योंकि अगर आप एक तरफ से आँख ऊपर से पकड़ो और नीचे से पकड़ो एकदम से डाल दो, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो आई बॉल के ऊपर डालो, क्योंकि आई बॉल के ऊपर आप डालने से ना तो वो लेंस पहना नहीं जाता, आपको बस आँख के अंदर डालना है और आई बॉल करके बंद करते रहो तो वो पहना जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो ग्रेफाइट कलर है और ये जो है विदाउट आउटलाइन है। मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखाती हूँ, अगर आप गौर से देखेंगे तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। तो इसलिए मैं जो प्रेफर करती हूँ वो विदाउट आउटलाइन वाले प्रेफर करती हूँ, और एक तरफ है मेरे पास आउटलाइन वाले और ये जो है वो ब्राउन कलर में। तो उसको जो मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे यूज़ में नहीं था तो मैं इसे जो है वॉश कर लेती हूँ साथ आपके सामने। पहले यूँ पकड़ना है अपना, फिर सारा पानी यूँ गिरा देना है इसका, ठीक है, फिर इसे वापस अंदर डालना है आपने, ठीक है, और इसके बाद जो है वो आपने पानी डालना है इसमें, ठीक है, फिर यूँ इसको हिलाना है थोड़ा सा, ठीक है, और इसको साथ यूँ पकड़ के आपने यूँ थोड़ा रफ करना है यूँ, और ये वाला पानी जो है वो दोबारा से फेंकेंगे, क्योंकि ये जो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किए हुए मैं यूज़ नहीं करती हूँ, फिर इसमें जो दोबारा से मैंने डाल देना है, ठीक है, अब यूँ करना है, सही है। अब मैं पहन के दिखाती हूँ आपको, ये जो मैं टिश्यू से भी हाथ साफ कर रही हूँ, ठीक है। अब इसे जो है मैंने फिर से इसी तरह करना है, वही सेम स्टेप करना है आपने, ठीक है,
पानी जो है इसका सुखाना है। हम अक्सर खुद नहीं पहन पाते क्योंकि पानी जो है वो सूखता नहीं है। यहाँ से उठाया आपने, यहाँ रखा, ठीक है, फिर ये जो पानी है वो साफ कर लिया आपने, ठीक है, फिर यूं उठाया, ठीक है, यूं रखा आपने अपने हाथ में, क्योंकि आपके हाथ ही साफ होते हैं, आप किसी चीज़ में मत रखिए, ठीक है। अब यूं करके मैंने रख दिया इसे, ठीक है। अब जो है मैं वापस इसे इस हाथ में ले रही हूँ और थोड़ा सा कैमरा भी जूम कर देती हूँ मैं, ठीक है। लेंस आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये जो है आउटलाइन वाला लेंस है, तो जाहिर सी बात है दिखेगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आपने ऐसे पकड़ना, ठीक है, यहाँ से यूँ यूँ। ये जो है आउटलाइन वाला लेंस है और ये जो है विदाउट आउटलाइन वाला मैंने पहना हुआ, ठीक है। अब ये जो है वो 80% बात चल रहा है कि मैंने लेंस पहना हुआ, और इसमें जो है इंसान कन्फ्यूज हो जाएगा क्योंकि 50-50 दिख रहा है, ठीक है। अब दोनों में कलर किस तरह से चूज़ किया जाए मैं आपको ये भी बताती हूँ, क्योंकि मेरे फेस में ये दोनों लेंस जो है वो सूट करते हैं। मैंने जो है अपनी आई कलर के हिसाब से लिया है, मेरी आई का जो कलर है वो है ब्राउन, ठीक है। अब ब्राउन के ऊपर आप जो है वो पहन सकते हो ब्राउन लेंस भी, ग्रे लेंस भी, ब्लू लेंस भी, कोई भी कलर पहनोगे तो वो सूट करता है, ठीक है, उतना नहीं पता चलता। लेकिन अगर आपकी आइज का कलर है ब्लैक, तो मेहरबानी करके आप ब्लू कलर, ये डार्क डार्क कलर मत लिया करें, क्योंकि वो सामने विजिबल होते हैं, वो पता चलता है। अगर ब्लैक है तो आप ले सकते हैं लाइट ग्रे कलर का लेंस, ठीक है। लाइट कलर के कोई भी लेंस हो गए वो आपने लेने हैं, वो आपकी ब्लैक आइज पे सूट करेगा। जैसे कि ग्रे है, ब्राउन है, ये दो कलर तो बहुत सूट करते हैं, ठीक है, ब्राउन ब्लैक आइज पे। क्या करें कि हमेशा जो है लेंस का कलर लाइट लेना है, क्योंकि लाइट कलर ही सूट करते हैं आंखों में। डार्क कलर लेंगे तो वो आंखों में चुभता है और बहुत ही अजीब सा लुक आता है, ठीक है। तो अब मैं जो है वो लाइट कलर लेती हूँ। मेरा ये जो है ब्राउन हेजल कलर का लेंस है और ये ग्रेफाइट कलर का है। और ये लेंस जो है मैंने वो कहाँ से लिया लिया था, मैंने ऑप्टिकल वालों से, और ऑप्टिकल की शॉप जो है मैंने ली थी कहाँ से, गल्फ से, गल्फ 3 तरवाल के पास जो है इनकी मेन शॉप है सामने से। और ये जो है बिल्कुल भी इधर स्पॉन्सर नहीं है वीडियो, ये मैं बता रही हूँ। मैंने जो लिया था ऑप्टिकल वालों से लिया था 3 तरवाल के पास, इनकी सामने जो है वो मेन शॉप शॉप है वहाँ से लिया था। तो लेंसेज कितने के होते हैं, ये लेंस जो है अब जो है ये आई थिंक 4000 का हो गया, या उससे भी अबव हो गया। उस टाइम ये था 4000 का, 1-2 साल पहले मैंने लिया था। लेंसेज जो है मतलब ऐसा नहीं होता कि आप 1 साल पहनो और फेंक दो, ऐसा नहीं होता। लेंस को जो है आपने वॉश करते रहना है, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया, इसी तरह आपने ध्यान करके रखना है। अपना लेंस आपने खुद पहनना है, अपने अलावा किसी को पहनने नहीं देना। आपकी आंखों में फ़र्क होता है और दूसरे की आंखों में भी फ़र्क होता है, तो इन्फेक्शन हो सकते हैं और लेंस ख़राब हो सकते हैं। उन्हीं से ली थी और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप एलोवेरा का पानी ट्राई करें। और ये बॉटल जो मुझे मिली है, ये जो बड़ी बॉटल है, और ये है 3000 की मैंने लिया, जैसे मैं बहुत ध्यान से यूज़ करती हूँ। अगर आपको कुछ सवाल है, कुछ अगर आपको कोई क्यूरी वगैरह है इसके हवाले से, या कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं जो है वो आपकी जो मतलब माइंड में कुछ भी कन्फ्यूजन वगैरह वो मैं क्लियर कर दूंगी। कोशिश करें कि घर में जो है वो लेंस पहनने की कोशिश किया करें, खुद ट्राई किया करें, ताकि आपको जो है वो लेंस पहनने आ जाए, ताकि कभी कोई नहीं होता तो आप खुद पहन सके लेंस। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है। मेरा ये होता है कि मैं जो है अक्सर तैयार होने के बाद ही लेंस पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे पहन पहन की आदत हो गई है और प्रैक्टिस भी बहुत हो गई है। जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना था ना, तब भी मैंने खुद ही पहना था, क्योंकि मैं किसी और के हाथ से नहीं पहन सकती, मुझे बहुत अजीब फील होता है, उलझन सी होती है, तो मैं हमेशा अपने हाथ से पहनती हूँ। तो बाकी शॉप्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब जिस शॉप से मैं लेती हूँ ऑप्टिकल से, तो उनका ये सीन है कि उन्होंने जो है ना सैम्पल लेंसेज जो है ना सामने रखे हुए हैं, कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी आईज में कौन सा कलर सूट करेगा, तो आप वहाँ पर जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लेंसेज होते हैं, आप उस वक्त ट्राई कीजिए, आपको जो लग रहा है आपके हिसाब से आप वो भी ले सकते हैं। ये दोनों लेंसेज, ये जो है वो, ये वाला जो है वो आउटलाइन वाला है, ठीक है, और ये जो है विदाउट आउटलाइन है। तो ये रहे सामने, आप देख सकती है दोनों के कलर। तो ये मैंने आपको बताया इस तरह से लेंसेज आपने ट्राई करने हैं, और उम्मीद है कि आपको जो है मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपनी दुआ में याद रखिएगा।